The tense present, past, future. Today I started. Thus there are three main tenses: the present, the past, the future. Sometimes a past tense may refer to present, and a present tense may express future time. As I wish I knew the answer. I am sorry I don't know the answer. Past tense, present tense. Let's wait till he comes. Present tense, future tense. जैसे कि पिछले क्लास में आपको मैंने फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों बता दिया था। टेंस के तीन प्रकार होते हैं। अब टेंस के तीन प्रकारों में बिलो वी गिव द चीफ टेंसेस: एक्टिव वॉइस, इंडिकेटिव मूड और द वर्ब टू लव। प्रेजेंट टेंस, फर्स्ट पर्सन आई लव, प्लूरल सिंगुलर जो होगा सिंगुलर होगा और प्लूरल जो होगा वी लव। सेकेंड पर्सन यू लव, यू लव। थर्ड पर्सन ही लव्स, दे लव। प्रेजेंट टेंस है। अब पास्ट टेंस में क्या होगा? सिंगुलर में होगा और प्लूरल में, दोनों चीजें आपको देखना है। फर्स्ट पर्सन में होगा आई लव्ड, बी लव्ड। अब उसमें देखिए प्रेजेंट टेंस में लव लगा था ना, अब पास्ट टेंस में जो क्या लगा? ईडी, लव्ड। अब उसी तरह जैसे फर्स्ट पर्सन में आई लव लगा था सिंगुलर में प्रेजेंट टेंस में, तो पास्ट टेंस में आई लव्ड, और पास्ट टेंस में प्लूरल में लगा था बी लव, तो यहां लग जाएगा वी लव्ड, एल ओ वी ई डी, लव्ड। सेकंड पर्सन में यू लव्ड है, तो सिंगुलर में यू लव है, प्लूरल में लग जाएगा वी लव्ड, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा प्लूरल में यू लव्ड, थर्ड पर्सन में ही लव्ड, दे लव्ड। फ्यूचर टेंस में आइए, देखिए सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। फर्स्ट पर्सन आई सेल, आई विल, वी सेल, आई विल, वी सेल, विल लव। सेकंड पर्सन यू विल लव, यू विल लव। थर्ड पर्सन ही विल लव, दे विल लव। रीड दीज सेंटेंसेस। अब देखिए प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। Present, past, present, past, future. तीन है, जैसे present में I love, past में I love, future में we love. तीन हो गया ना, समझ में आ रहा होगा आपको present, past। अब फ्यूचर में आप जब जाएंगे, फ्यूचर टेंस में जाएंगे, फ्यूचर में जाएंगे तो सिंगुलर और प्लूरल। फर्स्ट पर्सन में आई सेल, विल लव, सिंगुलर, प्लूरल में होगा वी सेल, वी सेल, विल लव। अब देखिए, अच्छा सेकंड पर्सन में यू विल लव, यू विल लव। थर्ड पर्सन में ही विल लव, दे विल लव। रीड दी सेंटेंसेस। आई लव, रीड दीज सेंटेंसेस। नंबर वन आई लव, आई लव, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट,
आई एम लविंग, आई एम लविंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आई हैव लव्ड, आई हैव लव्ड, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट, आई हैव बीन लविंग, आई हैव बीन लविंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, अब देखिए, अच्छा ज्यादा चला गया ना, जल रहे हैं सब, हाँ सर ये वाला, अच्छा यहाँ ला देना, I love simple present, I am loving, simple present, present continuous, I have loved, present perfect, present perfect, I have been loving, I have been loving, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, अब देखिए सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, परफेक्ट प्रेजेंट, परफेक्ट प्रेजेंट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, तीन चार सेंटेंसेस जो आपके सामने आए हैं, इन चारों में आपको प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के रूप आपको मिल रहे हैं। आई लव सिंपल प्रेजेंट है, आई हैव, आई एम लविंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, आई हैव लव्ड प्रेजेंट परफेक्ट है, आई हैव बीन लविंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब ध्यान से सुनिएगा, the verbs in all of these sentences refer to the present time, जो भी verb इसमें आपके इस sentence में दिखाई दे रहे हैं वो present time को, वर्तमान समय को सूचित करते हैं, and therefore said to be in the present tense, वो present tense को बताते हैं। In sentence one, I love जो है, however the verb shows that the action is mentioned simply, जो कार्य जो है वो simply आपको दिखाई दे रहा है, without anything being, जो भी की है, said about the completeness, पूरा करने के लिए, incompleteness of the action, कार्य को पूरा करने को दिखाने के लिए। In sentence two, I am loving, the verb shows that the action is mentioned as incomplete, I am loving माने मैं प्यार करूंगा। In sentence two, the verb shows that the action is mentioned as incomplete or continuous, that is as still going on, अभी प्यार चल रहा है,
still going on. In sentence 3, the verb shows that the action is mentioned as finished, complete or perfect at the time of speaking. Third, जो आप देखेंगे, in sentence 3, the verb shows that the action is mentioned as finished, काम जो है पूरा होने की तरफ सूचित कर रहा है, complete और perfect, पूरा कर रहा है और perfect काम हो रहा है, at the time of speaking, बोलते समय. The tense of the verb in sentence 4 is said to be perfect continuous tense, present perfect continuous tense, because the verb shows that the action is going on continuously and not completed at the present moment. जो कि कार्य पूरा अभी नहीं हुआ है. I have been loving. अभी loving चल रही है, कार्य पूरा नहीं हुआ है. It was going on. Just like the present tense, there are four forms. The past tense also have the following four forms. I loved, simple past. I was loving, past continuous. I had loved, past perfect. I had been loving, past perfect continuous. Similarly, the future tense has the following four forms. I shall be loved, simple future. I shall be loving, future continuous. I shall will have loved, future perfect. I shall have been loving, future perfect continuous. We may know defined tense as that form of a verb which shows that the time and the state of the action or event. Or event, a verb agrees with its subjects in number and person. Study the form, various forms of various sentences. Simple present tense, past continuous tense. I speak, I am speaking. You speak, you are speaking. We speak, we are speaking. We speak, we are speaking. They speak, they are speaking. Present perfect tense, present perfect continuous tense. I have spoken, I have been speaking. You have spoken, you have been speaking. He has spoken, he has been speaking. They have spoken, they have been speaking. They have spoken, they have been speaking. Simple tense, simple past tense, past continuous tense. I spoke, I was speaking. You spoke, you are speaking. We spoke, he was speaking. He spoke, we are speaking. They spoke, they are speaking. Present, past perfect tense, past perfect continuous tense. I had spoken, I had been speaking. You had spoken, you had been speaking. They had spoken, they had been speaking. We had spoken, we had been speaking. They had spoken, they had been speaking. Simple future tense, future continuous tense. Simple future tense, future continuous tense. I shall will speak, I shall be speaking. We will speak, you will be speaking. He will speak, I will be speaking. They shall be speaking. They will be speaking. Future perfect tense, future perfect continuous tense. I shall will have spoken, I shall will have been speaking. You will have spoken, you will have been speaking. We will have spoken, we will have been speaking. We shall will have spoken, we shall have been speaking. They will have spoken, they will have been speaking. Tenses are completed. And today we will have to complete the tense fully. God bless you, all of you. Have a nice day.